डिमांडें सर हमारी यही हैं कि 94 के बाद जितने भी डेली बेजर लगे हैं फर्स्ट नंबर पे वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू की जाए उसके बाद जो मिनिमम वेजिस एक्ट है जो अदर ड्यूटी में मिल रहा है वो हमारे मुलाजमों को मिलना चाहिए तीसरा एक बहुत बड़ा इशू है जो बारह बाउचर का राइडर एक गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है एक तो गवर्नमेंट ने 2015 में एक आर्डर निकाला एक बैन कर दिया गया कि कोई भी नई भर्ती नया मुलाजिम नहीं लगाया जाएगा उसके साथ ही गोर एडमिनिस्ट्रेशन ने 2016 में एक और ऑर्डर निकाला कि जिसके 2016 तक 12 बोचर होंगे उसी को वेजिस दी जाएगी गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को यह पता होना चाहिए कि आपने साल में एक या दो बार तनख्वाह आप देते थे मुलाजमों को इसमें तो जो 2010 का हमारा मुलाजम लगा हुआ है वो उसके भी 12 बोचर नहीं हो रहे हैं जो 2011, 12, 13 के लगे हैं उनके 12 बोचर पूरे नहीं हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझना चाहिए कि हमें भी हमें भी ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ से ये लोग लाए गए हैं कितने ये समझदार हैं ये कितने पढ़े लिखे लिखे लोग हैं कि इनको इतना नहीं पता चल रहा है जब इन्होंने मुलाजमों को वेजीसी ही नहीं कंटिन्यू दी तो उनके बारह बोचर कैसे हो जाएंगे तो इनको अपने आर्डर पे चलना चाहिए जो इन्होंने आर्डर लगा बैन लगाया है 2015 में उससे पहले चाहे किसी का एक बोचर भी हो गवर्नमेंट को उसका कंटिन्यू रखना चाहिए कंटिन्यू सैलरी देनी चाहिए यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसको भी हम चाहते हैं जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर साहब हल के हल करें इसको